डील पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के ताजा बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर राफेल पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहली बार फ्रांस का कोई पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को चोर कह रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनी को चुनने का प्रस्ताव मोदी सरकार ने ही दिया था। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 30,000 करोड़ की डील से अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया है। तो राहुल गांधी ने राफेल पर मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। ओलांद के बयान पर पीएम मोदी से जवाब मांगा है। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को चोर कहकर गए हैं और चोर कह रहे हैं लगातार, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। मोदी ने राफेल डील से अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर राफेल डील पर जो है वो सियासत अब है जोरों पर है। एक तरफ राहुल गांधी हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो पलटवार कर रही है, वो बोफोर्स की तमाम तरह की जो बातें हैं वो उठा रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो लगातार हमला कर रही है उसे रोकने का काम जो अब बीजेपी करने में जुटी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति एक्स राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अनिल अंबानी को जो हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला वो कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी के कहने पे दिया गया था। मतलब फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी सफाई देनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। जवानों के भविष्य की बात है, डिफेंस की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि 30,000 करोड़ रुपए का तोहफा, फ्री गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी को दिया है।